राजा परवेज अशरफ ने मुझसे मशवरा मांगा तो कहूंगा कभी सुप्रीम कोर्ट पेश ना हो, साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी। हाय हाय हाय, हाल मेरे तो डरना नी, सुप्रीम कोर्ट ना वड़ना नी। हाय हाय, दमाल नहीं डालनी। अल्लाह मुझे माफ कर, अल्लाह माफ, मैं सत के जाऊं अपने मुर्शिद के। हाय हाय, अब वैसे तुम दमाल भूलते जा रहे हो यार। ये ना कहो मैं दमाल नहीं भूल सकता, मैं थला रमाल भूल सकता हूँ, मैं दमाल नहीं अपने मुर्शिद की भूल सकता, मैं सत के मुर्शिद सत के जाऊं। अच्छा किधर गया तुम्हारा मुर्शिद का वो अदलिया का एहतराम, सारी बातें कहाँ गई यार? तुम ये तो देखो के हुई क्या है मुर्शिद के। अब बंदा कितना को बर्दाश्त करे, जब पल्ले से पेट्रोल डलवाना पड़े ना तो फिर पता चलता है क्या पावे करे। हाय 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 हाय, देखो तुम 8 महीने मेरे मुर्शिद ने बिजली का बिल नहीं दिया, गली से चीफ इंजीनियर भी नहीं गुजरा। जो ही मेरे मुर्शिद नाहल हुए उस दिन से उस इलाके का लैंड मैन पौड़ी उठा के साइकिल से बार बार दरवाजे के आगे से गुजर के छेड़ रहा है मेरे मुर्शिद। ऊपर से इलाके के एनडीओ ने कह दिया कि मुर्शिद पाक बिल जमा कराओ नहीं तो मैं मीटर काट दूंगा। ये सीरियस खबर है, मुर्शिद पाक ने 8 माह तक बिल नहीं जमा करवाया, अब 8-9 लाख रुपया पूरा बिल जमा करवा के जान छुड़वाई है। यार किस बात का वैसे 9 लाख बढ़ा दिया हुआ, तुमने खबर पूरी पढ़ी है? सिर्फ 2 दफा मुर्शिद उस घर में गए, 8-9 लाख रुपया बिल बढ़ा दिया। मुर्शिद मेरे मस्जिद के जाओ, मुर्शिद आपको पता था कि बिल नहीं दिया हुआ, आप जब अभी सीट पर बैठे हुए थे उस वक्त ही उसका को कच्चा चिट्ठा निकाल के फिर ना हलोते। उस वक्त आपने जो ऑर्डर करना था वो हो जाना था, बाकी लोगों का मीटर तो मीटर में सुई दे के पीछे करते हैं। जब आप कुर्सी पे बैठे हुए थे उस वक्त आप मीटर पीछे करने का ऑर्डर करते, चेयरमैन वापडा मीटर में उंगली तोन के खड़ा रहता होगा, हिलना नहीं था उसे। अब देखो लैंडमैन कितना शोखा हुआ हुआ मेरे मुर्शिद के घर के आगे से गुजरता है तो प्लास खड़का खड़का के गाता है, हरम द्वार के चिमटे की तरह प्लास बजा रहा होता है, और गाने भी वो गाता है जो सिद्धे मुर्शिद में फिट होते हैं। जुगनी जा बड़ी मुल्तान, ओथे वड़े वड़े पुलवान, खांदे गिरियां ते बादाम, मारा मुक्की कड्डा जान, ओ फिर मेरे आ जुगनी, फिर मेरे आ जुगनी कहंदी ए जड़ी मुफ्त पे बिजली लेंदी ए। अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे, जो मेरे मुर्शिद के साथ हुई। अब मजबूर हो के राजा परवेज अशरफ साहब को ये मशवरा दे, तुम देखो तो सही ना यार, 250 बंदे के साथ पूरे लाल लश्कर के साथ ऐसे ऐसे करते, लाल सुरख रंग पेंट कोट इतना खूबसूरत कोट के अंदर दाखिल हुए। अगले उन्हें देखो 30 सेकंड के साथ टांगे और वायु बांध के बाहर भेज दिए। अब चेहरे सवेरे सवेरे उठ के घर के बाहर निकल के कह रहे होते हैं हाय लो, आज बात कूड़ा चाण वाला काय नहीं आया। कादर चंद्रा तू ते अम्मा ने है, मैं ते कोजी काई नहीं। आ सुबह मसीन तो दरा चेक कर, त्राय दिहाड़े थी गए नहीं, कूड़ा काई नहीं चाहता। एमक्यूएम के रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार ने कहा है कि पाकिस्तान में फोन करने पर पिज्जा आधे घंटे में आ जाता है पर पुलिस 2 घंटे में भी नहीं आती। बहुत अच्छे डॉक्टर फारूक सत्तार साहब, एक टिकट में 2 महीने ना ले हजूर, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी जनाब। और खुदा के वास्ते ये जो आपने सुनाया लतीफा, ये तो अवाम करोड़ों की तादाद में एक दूसरे को मैसेज कर रहे हैं और ये आपके खिलाफ है क्योंकि आप हुकूमत है, आप भी अवाम में मिक्स होके वही लतीफा सुना रहे हैं। वाह 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 हजूर, अगर इस तरह की बातें करनी है तो हुकूमत छोड़ दे या फिर हुकूमत में रहने तो इस तरह की बातें छोड़ दे। आपका साहब मेरे बड़े ताए वाला है, वही मेरा बड़ा ताया, अल मशहूर बड़ा ताया। हाय हाय हाय, सारे खानदान के हर ब्याह के ऊपर वो खुद देखे पकवाता था। उनका असली नाम भी बड़ा ताया ही था यार, अल मशहूर बड़ा ताया है, यानी बड़े ताए के नाम से मशहूर है वो। अच्छा। पूरे खानदान में जिसकी भी शादी होती है ना बड़े ताए को कहते हैं कि ताया जी देखे पकवा दे, हर ब्याह पे खुद देखे पकवाते हैं। उसके बाद जब जांजी रोटी खा रहे होते हैं तो उनमें फिर के कह रहा होता है देखो यार प्याज बिच कच्चे ही छाड़ देते हैं, कच्चे प्याज चावलों में नजर आ रहे हैं कितने बुरे लग रहे हैं।
भैया दे के पकवानी छोड़ दो या प्याज की निशानदेही छोड़ दो। हुकूमत भी और अपोजिशन भी हाय नाले चौपड़ियां नाले दो दो बल्कि कीमे आलिया। वजीर आजम के हुक्म के बावजूद शबे कदर पर लोड शेडिंग, अवाम का शदीद एहतजाज, और दूसरी तरफ अखबारी रिपोर्ट्स के मुताबिक ईद उल फितर पर भी लोड शेडिंग का सिलसिला जारी रहेगा। लो यार ये क्या जरूरत है हुकूमत को ये सबज बाग दिखाने की। सब लोगों को पता जो चल गया है कि बिजली का बाग बिल्कुल पीला हो गया हुआ है तो रहने दे इस सबज बागी को। हद हो गई है। वैसे मैंने 36 दफा कहा है कि ये गा गे गी वाली खबरें देने का हुकूमत को इतना ही शौक है ना तो इस तरह की खबरें दे दिया करे कि बेरोजगारी खत्म हो जाएगी, सारे पाकिस्तानी डिप्टी कमिश्नर लग जाएंगे, पेट्रोल की किल्लत खत्म हो जाएगी, हाथ वाले नलकों में से पेट्रोल आना शुरू हो जाएगा, लॉ एंड ऑर्डर ठीक हो जाएगा, डाकू खुद गिरफ्तारियां दे देंगे। अब ये जो बिजली वाला मामला है ना इसको गा की बजाय ता में ले आए। ता है सूरज मशरिक से निकलता है, शेर जंगल का बादशाह होता है, आग से हाथ जल जाता है, लोड शेडिंग होती है, गल मुक गई। फजूली रोजियों के पहले से शुरू हुए हैं, रमजान में लोड शेडिंग नहीं होगी, फिर आगे आ गया हम वादा नहीं कर सकते, फिर आ गया जी शबे कदर में लोड शेडिंग नहीं होगी, फिर हो गई, अब ईद में नहीं होगी, हो जाएगी। ओ खुदा के वास्ते छोड़ दो, बिजली को गा के टीवी में से निकाल दो, एक यूनिवर्सल ट्रुथ जो बन गया है कि लोड शेडिंग होनी है, बात खत्म हो गई। क्योंकि राजा परवेज अशरफ साहब अब वजीर आजम है। अच्छा। वो वजीर नहीं थे मान, अब तो वो वजीर आजम है यार, अब तो समझ जाओ, अब तो बच्चे समझ गए हैं। मेरी छोटी भतीजी है 3 साल की, कितनी सी, उसकी खाला ने उसे ऑस्ट्रेलिया से फोन किया। अच्छा। उसने कहा बेटे बिजली आ रही है, उस बच्ची ने आगे से कहा कि खाला वजीर आजम राजा परवेज अशरफ साहब है। उसने कहा नहीं नहीं बेटे मैं पूछ रही हूँ कि बिजली आ रही है। बच्ची ने फिर कहा कि खाला मैं बता तो रही हूँ कि वजीर आजम राजा परवेज अशरफ साहब है। फिर उसने कहा कि बेटा तुम समझ नहीं रही हो, मुझे काल बड़ी महंगी पड़ रही है, मैं ये कह रही हूँ कि बिजली आ रही है इस वक्त। उस बच्ची ने फिर कहा कि खाला आप खाम खा टाइम जाया कर रही है, मैं आपको यही तो बता रही हूँ कि वजीर आजम राजा परवेज अशरफ साहब है। फिर कहीं जाके वो समझी कहते अच्छा 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 चलो ठीक है बैठो नेरे में, बंद किया फोन। बच्चों को अब पता चल गया यार, अब तुम लोग भी समझदार हो जाओ, अब तो बच्चे सियाने हो गए। नाज़रीन यहाँ पे लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा।